दोस्तों, आपने लोन ले रखा है और वो रीपेमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन क्यों नहीं मिल रहा, आपका सिविल स्कोर भी सही है और सिविल में एक्सपीरियंस क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे काम करता है और ये कितना होना चाहिए, तो कंप्लीट वीडियो में समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये सिविल मैटर है, तो सिविल में इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपने लोन रीपेमेंट नहीं किया तो आपका सिविल डाउन हो जाता है। सभी को पता है कि यदि आपने लोन नहीं लिया तो सिविल डाउन हो जाता है, तो फिर एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है। देखिए, लोन लिया है तो वो कितने दिनों में पेड किया है, इसका जो मैटर रखता है, ड्यू रखता है, वो एक्सपीरियंस में इसका टाइम रहता है, मतलब रखता है कि आपने कितना लोन लेकर नहीं दिया है। जैसे कि आपने 10,000 रुपये लोन लिए हैं, ठीक है, 10,000 रुपये तो एक्सपीरियंस में चढ़ गए कि इस बंदे ने 10,000 रुपये लोन लिया था, इस वजह से इनने लोन नहीं दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है ये कि ये ड्यू रखता है, ड्यू कितने दिनों तक, कितना ड्यू रखा, फिर टाइम कि कितने दिनों तक रखा है, 1 साल, 2 महीने, 3 महीने, 6 साल, 5 साल, कितना भी, इसमें टाइम आता है कि यहाँ पर टाइम चढ़ जाता है, जैसे कि 60 दिन, तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। और लोन ले भी लिया है और दे भी दिया, क्या उसके बाद उस लोन को अकाउंट को क्लोज कराया है, क्या उसकी एनओसी ली है, उसकी जो एनओसी होती है, नो ड्यूज लिया है, तो इस चीज का भी ये हिसाब रखता है, क्या इसकी केयर की है बाद में भी, यस या नो। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपीरियंस काम करता है। लेकिन इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि ये पॉइंट कितने होते हैं, ये 300 से 900 होते हैं। ठीक है, वैसे तो 0 से मानते हैं, लेकिन 300 मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम 900 होते हैं, लेकिन लो होता है 300 और बेस्ट होता है 800। ठीक है, अगर इससे नीचे है तो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोन के कारण आपका एक्सपीरियंस गिरना शुरू हुआ है तो फिर फर्क पड़ जाता है, बेस्ट 8 से होता है। लेकिन आप मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है तो 1-2 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आपने कोई भी लोन लिया है जनवरी को, तो 1-2 महीने आप पेड नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 महीने, 4 महीने कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत गिरता है आपका, शायद 750 हो सकता है, लेकिन जैसे ही सब कुछ पार हो जाता है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, कोई भी आप लोन लेकर 3 महीने तक पेड नहीं करते तो फिर 4-5 महीने, 3 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद इसका जो हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है, जैसे कि ये आ जाता है 600 प्लस, लगभग 650, 630, 640 और ये चला जाता है, बिल्कुल भी आपको फिर कोई लोन मिलना बंद हो जाता है। जैसे ही आपका लोन अमाउंट ड्यू में गया है और आपका एक्सपीरियंस 750 प्लस है तो आपको लोन मिलता रहेगा, लेकिन केवल आपका लोन ड्यू गया है, जैसे ही आपका यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 3 महीने, 2 महीने, और आपका ड्यू टाइम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपीरियंस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ड्यू में जाना स्टार्ट हो जाएगा, पॉइंट बहुत कम हो जाएंगे, तो फिर आपको लोन मिलना बंद हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस का यही मतलब होता है कि आपने लोन कितना ड्यू रख रखा है और कितने दिन तक ड्यू रखा है, क्या उसके बाद एनओसी ली है या नहीं ली है, क्या आपने अकाउंट क्लोज करा है या नहीं करा है। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर आप सिविल चेक करते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस भी चेक करें कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, यदि आपका एक्सपीरियंस 800 प्लस है तो बेस्ट है, आपको कोई भी लोन मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। यदि आपका सिविल स्कोर कम भी है, 600 प्लस भी है और एक्सपीरियंस आपका सही है, आपको कोई भी बिगड़ा हुआ नहीं है, तो तब भी आपका लोन मिल जाएगा। यदि आपका सिविल स्कोर 750 भी है लेकिन एक्सपीरियंस गिरा हुआ है कि आपने कोई लोन ड्यू में रख रखा है, आपने नहीं दिया तो आपको लोन नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस काम करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।